के लिए हम आतंकवाद से लड़ते रहे, देश की सुरक्षा करने के लिए हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई थी, जब उसे फांसी की सजा सुनाई थी उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकवादियों के जनाजे में हमारे देश के लाखों लोग जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तब बुरा लगता है। दोस्तों हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती, लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारी सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। दोस्तों संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दोराय नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब हमारे देश में उसके लिए शोक मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में उसके लिए बंद पुकारा जाता है और जेएनयू यूनिवर्सिटी में उसके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, तब बुरा लगता है। दोस्तों और कोई हमें सिखाने की बात करता है कि वंदे मातरम बोलना संविधान में कहां लिखा है, राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना संविधान में कहां लिखा है, उनको मैं बताना चाहता हूं संविधान में चड्डी पहनना कहां लिखा है, फिर भी तो आप पहनते हो। कोई बोलता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं अगर इस देश में रहना होगा भारत माता की जय कहना होगा।